पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब पानी की हर बूंद से ज्यादा फसल उत्पादन। इसके लिए हमें अपनानी होगी ड्रिप इरिगेशन, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। सिंचाई पानी की कमी को दूर करने और कम पानी में ज्यादा पैदावार मिले, इसके लिए केंद्र सरकार लेकर आई है पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। और इस योजना में ड्रिप इरिगेशन के लिए 90% तक सब्सिडी मिलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सब्सिडी ले सकता है, कितना पैसा इस सब्सिडी स्कीम में मिलेगा और सब्सिडी के लिए क्या कागजात चाहिए होंगे, मतलब कि इस योजना का A to Z जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम एफ फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भूजल से खेती करने के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत की 67% खेती किसानी है वो भूगर्भ के पानी पर निर्भर करती है और लगभग 390 लाख हेक्टेयर रकबा है ये। लेकिन भारत का 22% भूगर्भ सूखने की कगार पर पहुंच चुका है, मतलब देश के कुल 6881 ब्लॉक या तालुका में से 1886 ब्लॉक या तालुका है वो ड्राई होने की कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि 1285 ब्लॉक ऐसे हैं जिनके हालात चिंताजनक है। 100 ब्लॉक तो ऐसे हैं जिनका पानी बहुत ज्यादा खारा है, जो खेती में काम लेने लायक नहीं है। तो इन आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि भारत के किसान सिंचाई पानी की कमी से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि इसका तोड़ क्या है। तो इसका तोड़ है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना चलाई है और खेत में ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर और रेनगन सिस्टम लगवाने के लिए किसानों को 90% तक सब्सिडी मिलती है और किसानों को ड्रिप सिस्टम लगवाने के लिए सिर्फ 10% पैसा खर्च करना होता है। बूंद बूंद सिंचाई से खेती में 60% पानी की बचत होती है, तो ये बहुत ही जबरदस्त तकनीक है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इस योजना में सब्सिडी किसे मिलेगी और कैसे मिलेगी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप केंद्र सरकार की स्कीम है। इसके लिए सभी राज्यों के किसान इस योजना के लिए पात्र है, यानी कि एलिजिबल है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी राज्यों के किसानों के पास खुद की भूमि होनी चाहिए। खुद की जमीन है तो जमाबंदी या स्वामित्व प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी, और जिन किसानों के पास खुद की जमीन नहीं है तो वो किसी भी दूसरे किसान की जमीन को 7 साल तक किराए पर ले सकते हैं या ठेके पर लेकर इस सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी जमीन किराए की है तो आपके पास 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिखा गया एक शपथ पत्र होना चाहिए, जो ये बताता हो कि इस जमीन की लीज आपके पास 7 साल तक रहेगी और ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई के लिए कम से कम 5 एकड़ आपके पास जमीन होनी चाहिए, तब आपको इस सब्सिडी का फायदा मिलता है। और अधिक से अधिक जमीन है वो 12.5 एकड़ आपके पास होनी चाहिए, और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए कम से कम आपके पास 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए और अधिक से अधिक 5 एकड़ होनी चाहिए। यानी कि आपको 1 एकड़ से कम हो और ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ तक जमीन हो तो आपको स्प्रिंकलर सिस्टम पर 90% सब्सिडी मिलती है। 75% से लेकर 90% सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई किसान इस योजना का लाभ ले चुका है तो उनको 7 साल बाद दोबारा लाभ मिल सकता है, और जो किसान बहुत छोटे हैं, जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं, वो ग्रुप बनाकर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगर किसान चाहते हैं कि उनकी सब्सिडी का पैसा उनके बैंक खाते में आए तो उनका बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना कंपलसरी है, आवश्यक है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इस स्कीम के लिए सब्सिडी जब आप लेने जाएंगे तो आपको कौन कौन से दस्तावेज हैं वो चाहिए होंगे। आवेदक का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है किसान के पास, उसका पहचान पत्र भी हो सकता है, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो या दूसरा पहचान पत्र। किसान की जमीन के कागजात हों जिनमें जमाबंदी या स्वामित्व प्रमाण पत्र है वो हो सकता है। बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपके पास बैंक की पासबुक होनी चाहिए और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो हो और आपके पास एक मोबाइल नंबर हो जिसके जरिए आपकी योजना का ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और इसके जरिए आपकी स्कीम का है तमाम लेन देन किया जाएगा। दोस्तों, इस योजना में आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की एक ऑफिशियल पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार की वेबसाइट है pmksy.gov.in, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिस भी राज्य के आप रहने वाले हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार या जहां के भी आप रहने वाले हैं, उस राज्य की भी अलग से एक व्यवस्था होती है। वहां उनके
कृषि विभाग के पोर्टल होते हैं, उन पर भी आप अप्लाई करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ऑनलाइन आवेदन करने का कोई साधन नहीं है या आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप अपने नज़दीक के कृषि विभाग के दफ्तर में जा सकते हैं और वहाँ पर अधिकारियों से संपर्क करके इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं और उनसे ये जानकारी ले सकते हैं कि ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कैसे करें और ऑफलाइन तरीके से अगर वो योजना का लाभ दे सकते हैं तो वो कैसे आपको दे पाएंगे। और आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आप ई मित्र के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं तो आप जो सुविधा सेंटर होता है सरकार राज्य सरकारों की तरफ से जो ऑनलाइन तरीके से खोला जाता है उनके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है, इसमें आपका 90% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि जितना पैसा आप खर्च करेंगे, अगर आपके मान लीजिए 5 लाख रुपये लगते हैं तो आपको 4.5 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगी। आपको सिर्फ 10% पैसा अपनी जेब से खर्च करना होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सब्सिडी स्कीम है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप खेतीबाड़ी से जुड़ी ज़्यादा नई तकनीक सीखना चाहते हैं, अगर आप जैविक खेती सीखना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा पूरा कोर्स है, जिसमें आपको जैविक खेती के बारे में हर एक जानकारी पूरी डिटेल में मिलेगी। और ये 4.5 घंटे का कोर्स है और इस कोर्स को आप सिर्फ 599 रुपये में देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रीडम ऐप पर बहुत सारे ऐसे खेतीबाड़ी के कोर्सेज हैं जिनको आप देखकर उनके बारे में जान सकते हैं कि कैसे आप खेती करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।